हेलो फ्रेंड्स, और आज की रेसिपी है मालपुआ। ये सबसे पहले हम 1 लीटर दूध को एक बर्तन में गरम करेंगे। ये हमें धीमे आंच पर 1/3 होने तक पकाना है। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। अब ये देखिए, मिल्क कंडेंस हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम तैयार रबड़ी में थोड़ा थोड़ा मैदा मिलाएंगे। मैंने 1 लीटर से तैयार रबड़ी में 1 छोटी कटोरी मैदा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम मालपुए के लिए चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बर्तन में 1.5 कटोरी चीनी लेंगे और उसमें 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे। और 1 चम्मच इलायची। मालपुए के लिए हम 1 टाइप की चाशनी बनाएंगे। इसे भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा मालपुआ ख़राब हो जाएगा। अब 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये मालपुआ रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारा मालपुआ तल लेंगे।
इसी तरह हम सारे मालपुओं को तैयार करेंगे। तैयार मालपुओं के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता छिड़केंगे और हमारा मालपुआ तैयार है।